कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुनी 773 कंबाइन हार्वेस्टर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि इसको हम कैसे चला सकते हैं। एक बार गिलप्रीत हार्वेस्टर के अपने इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, आज इसके बारे में बता देते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे और इसमें आपको कैसे कौन सा लीवर किस तरह से मिलता है उसके बारे में भी। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं वो आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कुछ इस वीडियो में बताते रहेंगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग बात करते हैं, यहाँ से इस साइड ये तीनों लेयर मिल जाते हैं मशीन को स्टार्टिंग में चलाने के लिए, जैसे पूरी को। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो अपना ये थ्रेसर चलना शुरू हो जाएगा फ्लैट है, जिसका भी मशीनों में फ्लैट नाम से भी आता है ये, तो ये फ्लैट वाला हो गया, इसमें ड्राइव के नाम से दे रखा है। तो इससे अपना थ्रेसर और फ्लैट चलना शुरू हो जाएगा। फिर आता है कटर का, कटर ये आगे अपना होता है इसको चलाने के लिए, हो गया आगे कटर का ये करना शुरू कर देगा। फिर आता है ये अनाज टैंक, इसमें अनाज टैंक दे रखा है काफ़ी में ऑगर मिलता है, तो ये नीचे की तरफ करेंगे तो अपना टैंक खाली हो जाएगा, ऑगर से दाने बाहर आ जाएंगे। तो तीनों साइड हो गए और आगे वाले जैसे क्लच हो गया, डबल पेडल में ब्रेक हो गए, नीचे पैर वाली रेस होगी और यहाँ पर अपने ये हाथ वाली रेस है रील को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे हम पीछे तरफ करेंगे तो रील ऊपर उठेगी, अगर आगे तरफ करेंगे तो रील नीचे जाएगी। और फिर आ जाता है कटर को, पूरे कटर को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे कोई चीज़ फसल की कटाई करते ऊपर नीचे करते हैं कटर को, तो इसी से होता है पीछे तरफ ऊपर उठेगा और आगे तरफ नीचे। फिर आ जाता है चेंजर है, ये हाई लो होता है, जैसे अपने ट्रैक्टर में तो एक गियर मिलता है इस प्रकार से, वो हाई का और लो का, इसमें आप जितना चाहे हाई लो कर सकते हैं मशीन को, मीडियम भी पूरा भी कम भी का इसके हिसाब से हो जाता है, आगे पूरी हाई होगी पीछे लो होगी मशीनें। और ये इसमें गियर मिल जाते हैं, जैसे अपनी दूसरी मशीन में तो आगे तरफ है पहला मिलता है पीछे, दूसरी मशीन में तो आगे बैक मिलता है पीछे पहला मिलता है, परंतु इसमें पीछे बैक है और आगे पहला, दूसरा पीछे तीसरा आगे, इस प्रकार से दे रखे हैं। और इसमें आपको जैसे कि 5 गियर मिलते हैं, एक गियर रोड के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर है ये गियर, परंतु अभी इसकी राड निकाल रखी है नीचे से। और यहाँ पर ये कुछ मीटर मिल जाते हैं, जैसे इंजन आरपीएम मीटर हो गया, टेम्परेचर हो गया और इंजन ऑयल का हो गया, और ये अपना जो बैटरी वाला है उसका हो गया। और ये मशीन को बंद यहाँ से करते हैं हमें, इसमें यहाँ से दे रखा है, और कई मशीनों में यहाँ पर मिलता है अलग अलग तरह से मिलता है वो। और ये चाबी स्टार्ट करने के लिए इसको नीचे की तरफ दबा के तब घुमा के स्टार्ट करना पड़ता है। और ये लाइटों के हो गए और सभी स्विच है। तो ये इसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे लाइटों को इन नीचे वालियों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे अपनी गाड़ी में होते हैं उसी प्रकार से इससे एडजस्ट हो जाते हैं। और नीचे थ्रेसर वाला आ गया, थ्रेसर के चक्कर कम ज़्यादा करने उसके लिए। और ये अपनी जो बास्केट होती है वो ये वाला बास्केट को ऊपर नीचे करने के लिए, और दबाव को एडजस्ट करना है उससे करेंगे हमें, उससे दबाव एडजस्ट कर सकते हैं डीलर राइट करेंगे तो उसके थ्रेसर में और बास्केट में गैप कम ज़्यादा होता है। और ये इसको उठा करें उसके बाद ही करते हैं, ये बास्केट पूरी उठ जाती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बास्केट पूरी लग जाएगी और इससे थ्रेसर के राउंड कम ज़्यादा हो जाएंगे। उस साइड इसकी चेन चल जाती है नीचे साइड से गई है, वहाँ से उसको पूरे को ज़्यादा चौड़ा बिड़ा करती है, जिससे बेल्ट टाइट व लूज़ हो जाता है, उससे चक्कर नियंत्रण हो जाता है। जैसे लूज होगा बेल्ट तो चक्कर कम हो जाएंगे, अगर टाइट होगा तो चक्कर ज़्यादा होंगे। वो अलग अलग फसलों में अपनी फसल के आधार पर रखने पड़ते हैं वो, जैसे पीछे दाने निकल रहे हैं फलियों में या दाने तोड़ रही हैं उनके आधार पर हो जाते हैं। उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई, कब कम ज़्यादा करने चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोनों मशीनों के लिए मीन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ये कुछ गियर वाला था जिसमें आगे लगता है वो इसमें पीछे लगता है, उसमें पीछे लगता है वो इसमें आगे लगता है। और इनके कुछ नाम चेंज दे रखे हैं, जैसे ड्राइव वाला और ये ओगर वाला, तो उसमें ओगर दे रखा है और फ्लैट दे रखा है, परंतु इसमें ड्राइव दे रखा है और ये अनाज टैंक के नाम से दे रखा है। तीनों इसी तरह से लगती हैं, बाकी तीनों इसी क्रम में है। और नीचे टूल बॉक्स मिल जाता है, पूरा कैबिन मिल जाता है और 14 फीट के दोनों कटर मिलते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मशीन चलानी है एक बार है तो आप इस वीडियो को देखकर चला सकते हैं, परंतु ज़्यादा खेत में वैसे आप कोई अगर जानकारी वाला बंदा है तो ही चलाएं, अन्यथा न चलाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी सिस्टम हो जाते हैं, दाने पीछे जा सकते हैं, टूट भी सकते हैं और मशीन को चलाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी टूट फूट हो सकती है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और पूरी मशीन की जब तक नॉलेज नहीं हो तब तक चलाना गलत है। और इसको जैसे हमें आगे पीछे करनी है थोड़ी बहुत ही उस साइड ले जानी है, तो उसके लिए लीवर और रिंग के बारे में जानकारी हो गई आपको, तो इतना आप कर सकते हैं।
अगर खेत में चलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी एडजस्टिंग भी करनी पड़ती है पहले। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो बात है वो दूसरी वीडियो में मैंने बताया भी है, जो इसकी कटाई है वो पीछे वाले टायरों में होती है, तो आगे वाली पहले घूम के आती है और पीछे वाली बाहर से आती है। अगर हमें जैसे मशीन की साइड में उस साइड हमें ये मशीन घुमानी है तो बिल्कुल इसी साइड टायर लेके चलेंगे, अगर ट्रैक्टर या गाड़ी होती है तो हम आगे वाला टायर आगे से घुमा के लेके चलते हैं, परंतु इसमें हमें आगे वाला टायर बिल्कुल पास से लेकर चलेंगे तो पीछे वाला टायर उधर बाहर से आएगा, क्योंकि पीछे वाले टायर में इसकी कटाई है तो पीछे से घूम के आता है ये। तो इस बात का खास ध्यान रखें, पीछे पूंछ अड़ने का काफ़ी खतरा रहता है इसमें, तो जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप बिना देखे आराम से घुमा सकते हैं मशीन को, जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।